हे गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू स्मार्टफोन के बारे में, टेक्नो ओवा 3। और इस फ़ोन को रिसेंटली लॉन्च करा गया है। ऐसे ये फ़ोन जो है मेरे पास वेरिएंट वाइज 4GB रैम एंड 64GB में अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पे यूनिक कलर पिक करा है, इलेक्ट्रिक ब्लू। इसके अंदर दो कलर और भी अवेलेबल होता है, सिल्वर टाइप का एंड ब्लैक टाइप का, लेकिन मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लू परचेज करा है। और जो इसका प्राइस है ना, आई थिंक 13,000 रुपये है। और ये वाला वेरियंट मेरे को काफ़ी पसंद आया। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में पोवा 3 कैसा दिखता है। एंड वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे करके सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को बॉक्स कंटेंट में एक फ़ोन रखा मिलता है। और जो फ़ोन है यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा कि ब्लू कलर में है, और आई थिंक कि आप ऊपर से ही देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। एंड ये फ़ोन जो है ना काफ़ी कूल है, बट यहाँ पे हाथ में लेते ही थोड़ा हैवी फील हो रहा है, बट इसे मैं अभी साइड करता हूँ। एंड अभी हम लोग बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो एक केस मिलता है, केस की क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छा ही होता है। एंड वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, USB 2 टाइप सी का एक केबल मिलता है। आई थिंक कि केबल की जो क्वालिटी है ना, यहाँ पे टेक्नो को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहिए। और ये मिलता है ट्रेवल अडेप्टर 33 वॉट का, और आई थिंक देखने में ही लग रहा है ट्रेवल अडेप्टर का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। तो ये था इस फ़ोन का बॉक्स कंटेंट। एंड गाइज, अभी ना बात करते हैं इस वाले फ़ोन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे इस फ़ोन के ऊपर से इस रैपर को रिमूव करते हैं, तो अब बिल्कुल आपके सामने है। और जो फ़ोन का यहाँ पे डिज़ाइन है ना, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मैं कहूँ तो यहाँ पे ये जो फ़ोन है कहीं ना कहीं ROG से सिमिलर या फिर इंस्पायर्ड लगता है। बट ये फ़ोन यहाँ पे प्लस 200 ग्राम वेट के साथ अवेलेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 7000 mAh का बैटरी इनबिल्ट मिलता है एंड 33 वॉट का ट्रेबल अडेप्टर ये सपोर्ट कर लेता है। और साथ में यहाँ पे रिवर्सिबल चार्जर का भी ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, मतलब ये पावर बैंक का काम करेगा। और इसका जो आउटपुट होगा वो आपको 10 वॉट तक का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फोन जो है बजट वाइज मेरे को अभी तक तो काफी सही लग रहा है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ब्लू है, ये लेने के पीछे मेरा एक मेन कारण रहा है कि ये जो बीच में एक लाइनिंग आप देख रहे हो ना, यहाँ पे LED लाइट इनबिल्ट करा गया है। और ये जो है, आप नोटिफिकेशन रिसीव करते हो, कॉल आता है, या फिर आप इस फोन को चार्जिंग पर डालते हो तो उस टाइम ये लाइट ब्लिंक करता है, और काफी हद तक ये फोन जो है ना स्टाइलिश लगता है। एंड चलिए गाइस, थोड़ा अब बात करते इस फोन के बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे इसके बारे में कि ये जो बैक पैनल है, आई थिंक ये है तो प्लास्टिक का, लेकिन काफी मतलब मेटालिक लुक दिया गया है। और साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा जो ग्रिप है, थोड़ा गेमिंग टाइप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन जो है इस फ़ोन का आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एंड यहीं पे ट्रिपल कैमरा मिलता है। सो जो मेन कैमरा आप देख रहे हो 50 मेगापिक्सल में मिलता है। एंड यहाँ पे क्वाड LED फ्लैश लाइट रखा गया है, और इस फ़ोन के अंदर आपको फ्रंट में भी LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो साइड में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। एंड मैं कह सकता हूँ ये जो है, देखो आप, काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया एक्सेस भी करता है। और इस फोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर DTS सराउंडिंग साउंड यूज करा गया, एक आपको टॉप साइड पे देखने को मिल जाता है, एंड जो दूसरा है यहाँ पे बॉटम साइड पे देखने को मिल जाता है। यहीं पे 3.5mm का जैक भी मिलता है, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे माइक भी देखने को मिल जाता है। जो थिकनेस है ना, वो 9.4mm का रखा गया है, और इसलिए वेट जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ओवर वेट है। एंड तीसरी बात, ये फोन वन हैंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो आपको अप्रॉक्स 6.9 इंच के आसपास देखने को मिलता है। अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो ये 7 इंच के डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बन जाता है। जो यहाँ पे ब्राइटनेस पिक करने का ऑप्शन मिलता है ना, वो इस बार टेक्नो ने 500 के आसपास दिया है। तो इंडोर लाइट में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला, लेकिन जब आप सनलाइट में जाते हो ना, तो वहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी मिलता है। इसका जो यहाँ पे आउटलुक है वो आपको काफी कम दिखाई देता है, बट यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये फोन जो है आप देख सकते हो काफी यहाँ पे अच्छा स्मूथ काम कर लेता है। और वही नहीं, यहाँ पे हम लोग YouTube भी ओपन करके देखेंगे तो ये जो टच है, रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी यहाँ पे ये फास्ट
टॉल होगा, तो ये काफ़ी बड़े डिस्प्ले का आउटलुक मिलता है। और यहाँ पर जो वीडियो है ना, आप किसी भी एंगल से देखते हो तो इसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन अवेलेबल होता है। और जो पैनल है वो आईपीएस यूज करा गया है, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो इस वीडियो का आउटपुट आपको मिल रहा है वो काफ़ी हद तक क्रिस्प और काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले वाला भी पार्ट है वो आपको अंडर बजट काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। एंड जो ब्राइटनेस है यहाँ पर थोड़ा सा और एनहेंस किया जा सकता था। एंड जो फ्रंट में आप देख रहे हो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ऐसे कैमरे के अंदर जो फीचर्स है ना वो आपको काफ़ी बढ़ बढ़ के देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्फी एक इनेबल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आई डिटेक्शन जैसा फीचर्स भी अवेलेबल होता है और वो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिटेक्ट भी कर रहा है। तो इस तरीके से फीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका पिक्चर क्वालिटी है थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रियर कैमरा से लिया गया कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन जो है ना यहाँ पे पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा करता है और इसका जो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है वो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आउटपुट देता है। एंड जो दूसरा पिक्चर है इसका डिटेलिंग आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसके अंदर 7000 एमएच का बैटरी एंड 33 वॉट का फ्लैश चार्ज, मीडियाटेक हेलियो G88 प्रोसेसर, मतलब एक एक डिटेलिंग को ये कैप्चर करता है। तो आई थिंक इस फ़ोन का जो यहाँ पे रियर कैमरा है वो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और ये जो है यहाँ पे ऑटो सीन डिटेक्शन प्लस यहाँ पे एक पोर्ट्रेट जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको प्रो मोड मीन्स प्रोफेशनल मोड भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आप शटर को, अपर्चर को, ISO को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस फोन को बेसिकली यहाँ पे कैमरा को लेकर भी काफ़ी अच्छे से डिजाइन करा गया है। एंड यहाँ पे जो कलर करेक्शन है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। एंड थोड़े सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के अंदर जो है ना ये अभी मैंने जितने पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो है दोनों पिक्चर लो लाइट में है, तो लो लाइट का जो पिक्चर है यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी आपको क्रिस्प लग रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे आपको AI कैम के अंदर मैंने पिक को क्लिक करा है और जो दूसरा पिक मैं आपको दिखाता हूँ तो ये यहाँ पे ना ब्यूटी फेस में यहाँ पे पिक करा है। तो दोनों पिक्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि इस पिक्चर का जो फेस है ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है एंड जो दूसरा पिक्चर है AI में तो ये जो है ना मेरे को काफ़ी करेक्ट लगा, जो है रियल है सो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो यहाँ पे ये फ़ोन का कैमरा भी काफ़ी हद तक अच्छा है एंड ये 1080p 30fps पे वीडियो भी रिकॉर्ड करके देगा और जो वीडियो का स्टेबिलिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और इस फ़ोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर है वो आपको मीडियाटेक हेलियो G88 मिलता है, मतलब कि यहाँ पे आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर भी मेरे को पर्सनली काफ़ी सही लगा और यहाँ पे आपको गेम स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर जो फीचर्स अवेलेबल होता है मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको चेक करके दिखाता हूँ। इनकमिंग कॉल रिजेक्टेड का ऑप्शन मिलता है, हेल्थ मोड का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है एंड यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजेशन ग्राफिक का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ये फ़ोन को स्पेशली 2-3 चीज़ को देखते हुए बनाया गया, जैसे कि यहाँ पे गेमिंग करना है इसलिए यहाँ पे 7000 एमएच का बैटरी मिलता है। आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो 2,15,000 जो बजट वाइज देखा जाए तो रियल मी नार्जो 50 आप उठा लो तो उसका भी जो अंतुतु बेंच मार्क है यहीं पर आसपास देखने को मिलता है। रियल मी C35 देख लो तो उसका भी जो अंतुतु बेंचमार्क है 1,95,000 का देखने को मिलता है। तो बजट वाइज देखा जाए तो काफ़ी सिमिलर मिलता है। तो मेरे ख्याल से बजट वाइज यहाँ पे जो प्रोसेसर है इस फ़ोन का वो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है ना यहाँ पे लेटेस्ट OS के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि HiOS 8.6 मिलता है और साथ में जो एंड्रॉयड है आपको 12 देखने को मिल जाता है, जिसे आप एंड्रॉयड 12 भी कह सकते हो। तो ओवरऑल ये फ़ोन पूरे तरीके से अपग्रेड है और जो फीचर्स दिया गया है मेरे को पर्सनली सारा कुछ सही लगा। और हीटिंग वाला जो इशू है वो आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर आपको जो मोटर है वाइब्रेशन मोटर Z-axis यूज करा गया है, यहाँ पर जो हैप्टिक्स वगैरह है ना वो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो ओवरऑल बजट वाइज ये फ़ोन मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज। बट हाँ ये फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा बल्की है, इसे कैरी करना थोड़ा सा टफ लगता है और ये फ़ोन यहाँ पे आपको 1 हैंडेड देखने को नहीं मिलता है। बट बाकी फीचर्स में लिया जाए तो सब कुछ इसके अंदर आपको परफेक्ट देखने को मिलता है। तो आज का मेन काम था इस टेक्नो पोवा 3 का अनबॉक्सिंग देना, फर्स्ट इंप्रेशन देना और आपको इसके जो फीचर्स है बहुत सारा कुछ बताना। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नया वीडियो में नया अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।